पेट्स में डॉक्टर मेरा मेरी चैनल से अगर पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे आइस पर। इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ आइस एलर्जी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आइस इंजरी के बारे में। आँख के ऊपर चोट लग जाती है अक्सर बच्चों को, आँख खोली नहीं जाती और आँख में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। इसके सिम्टम्स यही हैं, आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँख में सुर्खी आ जाती है, अक्सर चोट लग जाती है बच्चों को, कोई मुक्का मार देता है खेलते में, बच्चे अक्सर एक दूसरे को शरारतें करते हैं और कोई चीज़ आँख में चली जाती है, कोई पाउडर चला जाता है, कोई तेजाबी चीज़ चली जाती है। इसके अलावा किचन में काम करते हुए लेडीज़ को लेमन डंडा से जो ये लहसुन अदरक वगैरह कूटती हैं तो उसकी वजह से भी आँखों में वो उड़ के चला जाता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके लिए आप ये करें कि फ़ौरन आप ठंडे पानी से आप उसे धोएं आँख को, और जो कुछ भी मसाला आँख में गया है या पाउडर गया है या नेल्स काटते हुए नेल्स उड़कर आँख में चला जाता है उसे फ़ौरन निकालें, ताकि अगर नहीं निकलना तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा ईद पे पटाखे चलते हैं और जैसे 14 अगस्त वगैरह पे और शादी ब्याह पे जो पटाखे वगैरह चलाते हैं, इसकी वजह से आँख में उड़ के बच्चों के लग जाते हैं, इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है झिल्ली में। अक्सर ऐसा होता है कि झिल्ली आँख की जो वाइट वाली है ये बाहर को लटक जाती है। तो आप घर में इसका इलाज मत करें, सिर्फ ठंडे पानी से आप धोएं या बर्फ़ किसी कपड़े में लपेट के बर्फ को की टकोर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आँख रेड हो जाती है, बाज़ दफ़ा खून भी आ जाता है आँख में, तो आपने बर्फ डॉक्टर के पास जाना है और फ़ौरन उसका इलाज शुरू करवाना है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के खेल खेलते हैं कि आँखों में कोई बच्चे पेंसिल मार देते हैं, कोई भी चीज़ लग जाती है, कुछ भी कोई भी टुकड़ा उड़ के आँख में लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, इंजरी किसी भी किस्म की हो जाती है। उस सूरत में आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना हर वक्त इलाज कराना है। आप हैं, आपके बच्चे हैं या कोई बड़ा है, इसके लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आँख का फ़ौरन इलाज शुरू करवाना चाहिए। होम्योपैथिक में जो इसकी मेडिसिन है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर ब्लड आँख में आ गया है, वो निकल रहा है, स्वेलिंग हो गई है, तो आपने आर्निका 30 potency में 3 times देने हैं, 2-2 drops देने हैं फ़ौरन से, और बार बार देने हैं ताकि वो जो टूट का धब्बा आँख में लग गया है वो फ़ौरन से जब आप बार बार देंगे उसको रिपीट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यूफ्रीजिया बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि आँख के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके ड्रॉप्स भी आते हैं, आप ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहलिक भी होते हैं और नॉन अल्कोहलिक भी होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्वेलिंग हो गई आँख में बहुत ज़्यादा और आँख खुल नहीं पा रही है, अगर किसी जैसे मुक्के की सूरत में चोट लगी है या क्रिकेट वगैरह खेलते हुए बॉल लग जाता है और नील पड़ जाता है, उसके लिए आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसकी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। बड़े हैं तो बड़ों को 200 potency में और बच्चे हैं तो उन्हें 30 potency में आप इस्तेमाल करवाएँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा आपने अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और बार वक्त अपना इलाज करवाएं, बच्चे का इलाज करवाएं जो भी है। और आँख के लिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि आँख ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है, इसलिए आँख के मामले में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपके साथ जिंदाबाद।